हेलो गाइस, बैंडी हियर। हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर, तो कैसा था आपका न्यू ईयर, कैसा चल रहा है? सो आज हम नया गेम ट्राई करने वाले हैं, कॉल्ड स्पिरिट फेरर। सो जाते जाते मैं बताऊंगा कि ये गेम कैसा है। स्टीम पे मैंने खरीदा है, सेल पे 149 का, सर वन आई बिलीव सो 174, सॉरी। तो 174 का मैंने खरीदा स्टीम पे, बट ऑन नेटफ्लिक्स आपको ये गेम 149 के नेटफ्लिक्स आप जब लोएस्ट सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तब मिलेगा, गेम पास में। ओके, ग्राफिक्स आर ऑसम। मेरे को कई और मैं एक लड़की खेल रहा हूँ, कैरेक्टर जो है एक बिल्ली के साथ जहाज पे लेके आ रहे हैं। हाँ फाइनली, और सेकंड ईयर नेगर वेक अप लिटिल वन। और उठ तो गया मैं, एरोनिक बेनिफिट। ओके आई एम चारन। चारन कैसे हो भाई, क्या बना रहे हो? द स्पिरिट फारर। ओके, That is what I've been until your arrival. तो मैं आने तक तुम थे, तो उसके बाद जॉब चला गया? अभी कुछ काम करने के लिए है बोल रहा है, ब्रेक ले रहा है क्या उधर काम से? यू हैव टू पिक अप थिंग्स वेयर आई लेफ्ट। मतलब मैं हो गया अभी स्पिरिट फारर। ओके, इट इज आफ्टर ऑल माई वेरी लास्ट डे। ओ, रेजिग्नेशन डाल दिया भाई ने। ओके एंड यू आर स्टेला। मेरा नाम स्टेला है भाई। ओके स्टेला, वेलकम स्टेला, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आई सीन दैट यू हैव ब्रॉट अ फ्रेंड, व्हाट्स हिज नेम? मेरे बिल्ली का नाम क्या है? डैफोडिल। ओके आई सी, यू विल शेयर बर्डन देन। बोझ हम दोनों को कौन सा बोझ देके दे रहा है मैं? ओके तेरे से बोझ लेना है, द हैंड ओवर। टेक इट ओवर फ्रॉम मी, एज आई सेड इन अ फ्यू मिनट्स आई विल बी गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दुनिया से कहाँ जा रहा है भाई? दैट इज वाई यू आर हियर। ओके यू विल बी द न्यू स्पिरिट फारर। ओके लिसन, योर टास्क हियर विल बी फार फ्रॉम इजी बट सिंपल नॉनदलेस। गो फेच थ्री स्पिरिट स्ट्रैंडेड ऑन द आईलैंड एंड ब्रिंग देम रेडी, एंड वेन दे आर रेडी ब्रिंग देम बैक हियर। ओके, तो आत्मा, भटकती हुई आत्मा को लेके आके यहाँ पे उनको लेके आना है। ओके okay. और हाँ, भटकती हुई आत्मा को कहीं से ये दुनिया से जाना पड़ता है, वो ठीक है। उनकी लास्ट इच्छा पूरी करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे, वही बोल रहा है ये। ठीक है भाई, भटकती हुई आत्मा ये भूतिया स्टोरी है क्या? ब्रिंग देम द बिग राउंड डोर ओवर हियर इज एवरडोर। तो ये एवरडोर है, अल्फा वेरिएटिंग ओमेगा। मतलब स्टार्ट भी यही, ये शुरुआत भी यही, अंत यही, यही दरवाजे दरवाजे से होती है। ओके तो बेसिकली मेरे को सारे आत्माओं को यहाँ पे आके छोड़ना है। ओके देयर इज नो टास्क मोर इम्पोर्टेंट देन वन। ठीक है, इससे बढ़िया काम कुछ है नहीं। सैलरी कितना दे रहा है? हियर हेल्प समथिंग आई नीड यू। क्या दे रहा है मेरे को? ये आत्मा पकड़ना है भाई, सादा काम नहीं है ये। क्या दे रहा है तू मुझे? ये क्या दिया है, छोटा सा टेनिस बॉल। नाउ बी वेरी केयरफुल, इज एवर लाइट। ओके एवर लाइट है ये, सिंबल ऑफ स्टेटस एंड द टूल यू विल एवर नीड। अरे बिल्ली कहाँ चली गई? बिल्ली को भी एक मिल गया टेनिस बॉल। सही है, मतलब दोनों काम कर रहे तो दोनों को चाहिए ना। ओके मैं बन गया हूँ, मैं विकसित हो गया हूँ, पूरा पोकेमोन का फीलिंग आ रहा है मुझे। क्या अब क्या काम करना है मेरे को? Yes, the flame, the light you never fault, the beacon of eternity, this heavy incredible.
देयर इज नो ग्रेटर ड्यूटी देन। हाँ भाई मुझे पता है ये मतलब भटकती हुई आत्मा को अकेले ना, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, पहले बहुत ज्यादा काम लगेगा बट फोकस करो, एक कदम एक समय। ओके ठीक है भाई, मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ मैं फ्रेड फेरर हूँ। ठीक है वन लास्ट थिंग, वंस आई एम गॉन यू हैव टू फाइंड अ शिप, ना खुद की जहाज भी ढूंढनी पड़ेगी। तेरी जहाज तो बहुत छोटी है भाई, मैं समझता हूँ वो चीज। यू नीड टू फाइंड वन नॉट फार फ्रॉम हियर, इफ यू कीप रोइंग द तब सही सही स्ट्रेट जाते रहो और तुम्हें मिल जाएगा बोल रहे हो। ठीक है बाय बाय बाय। वापस आएगा ना तो अभी तो भाई सच में निकल गया ये, मेरा क्या होगा फिर। उसने बोला है कि स्ट्रेट जाते रहो तुम्हें मिल जाएगा रास्ता। ठीक है वो बिल्ली मस्त मेरे कंधे पे बैठ गए बिल्ली देखने वाले कंधे पे बिल्ली बैठती है क्या, मेरे को बताना। ठीक है यहाँ से जल्दी ऊपर जाते हैं। ये जंप हायर, मैं ये जॉयस्टिक पे खेल रहा हूँ। ओके टू जंप होल्ड ए, अरे ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा मैं, प्रेस ओके अब दबाने का था, प्रेस होल्ड एंड ड्रॉप डाउन। ठीक है ड्रॉप डाउन करता, इससे बात कैसे करूं मैं, एक्स ओके लॉस्ट ला। हाँ बोलिए, इट्स रियली यू। हाँ मैं ही हूँ भाई, स्टैंड अप स्ट्रेट एंड लेट मी लुक एट यू। ये भटकती हुई आत्मा है क्या, क्योंकि इसके ऊपर देखो एक आत्मा का जैसे प्राणी का ऐसे फोटो आ रहा है। कौन सा प्राणी हो सकता है, फिर कौन सा पोकेमोन हो सकता है ये। यू लुक गुड, डैफोडिल इज हियर। ओके आई सी, यू हैव टू फाइंड अ लिंट रोनर देन। हाँ एंड माई 20 ऑलवेज आर, इट्स मी ग्वेन। आपका नाम ग्वेन है, हेलो ग्वेन मैडम, गुड थिंग यू फाउंड मी, बट इफ यू आर हियर इट मीन्स ओ यू आर द न्यू स्पिरिट फारर। मेरे बेल्ट देखो, मेरा बेल्ट देखो कैसे चमक रहा है। बिल्ली के पास भी है क्या, सो यू आर द वन रिप्लेसिंग शहना, वो जॉब छोड़ के चला गया बोल रहा था। ट्राइंग टू गेट अप फ्रीड अप एंडेड अप हियर बाय एक्सीडेंट। ओह ठीक है, I stuck on this disgusting island. What a week living off garden and cigarettes. So, बच्चे ये 18 plus है, so संभल कर। Funny how I used to be the one getting you around of trouble before. I can see you have the ever light now. हाँ मेरे बेल्ट में चमक रहा है वो बल्ब, वो ही है मेरी ताकत है। ऑफ कोर्स लेट्स सी दैट बोट ओवर देयर। कौन सा बोट भाई, इतनी बड़ी मेरी बोट है। ओके दैट्स द वन, इट्स ऑब्वियस स्लाइटली शैबी बट लेट्स कमांड डियर इट। ओ आई वेजर इट विल वर्क सिंस यू आर द स्पिरिट फादर। ओके मीट मी ऑन द डॉक ओवर देयर, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल। ओके भाई मैं आ रहा हूँ। Here it goes. Hope my fur coat won't get damaged too. क्या हो रहा है? आत्मा विकसित हो क्या है? क्या बन गया है? डियर? डियर नहीं बोल सकते, एंटलोप बोल सकते हैं उसको। मेरे को हिंदी का शब्द पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वंडरफुल। आई एम नॉट वांट टू जंप फॉर जॉय बट दिस फील्स गुड। ओके मच अप्रिशिएटेड, मच बेटर देन एंटिसिपेटेड, सॉरी। सो ऐसे हाँ ये जहाज मेरा है तो ओके okay. अरे तू फिर से वही बोल रही है, मेरे को पता आत्माओं को लेके आके छोड़ना है मुझे।
यही मेरा काम है। जहाज में आने के बाद वो अपनी असली रूप दिखाएंगे, जैसे तूने दिखाया अभी। ओके, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट? नीड टू कम एंड गिव मी हग। एक हग देना है मेरे को। हग कैसे दूं मैं? हग दे, चलो हग दे देते हैं। तो की जब और उसके आँख पूरे ऐसे हो गए, चमकने लगे। अच्छा बेटर कम विद मी नाउ, लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्लास। देख उसका मूड देख सकता हूँ। हग देने के बाद का मूड अप हो गया है। उसका खाना क्या है फेवरेट? कुछ पता नहीं। फेवरेट लाइक्स डिसलाइक्स कुछ पता नहीं। शॉप्स फॉर फाइबर्स, शॉप्स फॉर थ्रेड्स यूजेस लो। ओके पैक, जाने दो। चलो कहाँ जाने का मेरे को? ओह नो, क्या हो गया मैडम? व्हाट अ मेस, रिमाइंड्स मी ऑफ एंड पेनिटास ओल्ड यार्ड। ब्यूटिफुल अनऑर्गनाइज टेस्टमेंट टू समवन लेजीनेस। वाइटल इम्पोर्टेंट गेट रिड ऑफ एनीथिंग इन दिस एडिशन। डस्ट एलर्जीज आ जाएंगे। लेट मी थिंक, अल्बर्ट को मिलना पड़ेगा। उसके जो घटिया है, ओके मतलब पीजे मारता है बहुत। नहीं तो ओनली वन कैन फिक्स द बोट। ठीक है, उसके पास जाना है, अल्बर्ट के पास। यू मस्ट बी वनिंग हाउ टू मेक दिस रियली इजी है। लेट मी गिव यू दिस की, आई फाउंड ऑन द आइलैंड, इट इज ऑन द केबल बैक। ओके दे दो मेरे को चाबी। यू शुड फाइंड मैप प्रोजेक्टर इन दर। ओके ऑल दिस, आई वाज प्लानिंग टू एस्केप, रिमेंबर? ठीक है, से भागना चाहती थी। तेरे पास सब कुछ था, तू भाग सकती थी राइट? मेट्रिकुलसली। हाँ ठीक है ठीक है। ओपन अप द केबिन, मैप का प्रोजेक्टर भी रहेगा, मतलब मैं एक्टिव क्वेस्ट प्रेस क्या दे, प्रेस क्या है? ओके दबाने से ओके स्टार्ट द बोर्ड इन द स्टेलस केबिन। ओके अपग्रेड कुछ नहीं सुना नहीं। ठीक है, मैप फैल रहा है। ठीक है, इसके पास जाते हैं क्योंकि उसने बोला था वहां पे जाने के लिए। एयर टू कंफर्म। चलो स्टेला, हाँ बोलो मैम। एज आई अंडरस्टूड द शिप इज पावर्ड बाय एवरलाइट। ओके, मेरे शक्ति से ही ये शिप चलती है। ठीक है, रिवल स्टे स्पिरिट। ठीक है, आई कुडंट डू इट माय। ओ इसलिए नहीं भाग पा रही थी। अभी मेरे को जवाब मिल गया, खुद क्यों नहीं भाग पा रही थी। ओके इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। लुक आई एम मस्ट नो योर ओवरवेल्ड। हाँ कुछ ज़्यादा ही लोड लग रहा है स्टार्टिंग के लिए। सब नया नया है, गेम ही नया है मेरे लिए। ओके इट्स अ लॉट, यू वांटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन? ट्रूथ बी टोल्ड आई डोंट नो ईदर, बट आई एम हियर फॉर यू। ओह बी नाइस, गुड बाय। ओके ठीक है, खुद से नहीं जा सकती, तेरे पास ताकत नहीं है। नाउ आई कैन सी यू, आई थिंक आई नो दिस प्लेस फॉर नॉट वन। ठीक है भाई, मैं थोड़ा इवन ट्राई फिशिंग रॉड, मैं फिशिंग कर सकता हूँ। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। अभी आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे वो आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन। ये आइकन दिन, ये सुबह, दोपहर, शाम वो बताता है। दैट इज गुड। फिशिंग कैसे करूँ मैं? ओ ओके, तो फिशिंग डाल दिया मैंने। जूता मिला मेरे को। कितने तो फेंका हुआ जूता मिल गया मुझे। थोड़ा को डुबाने का उसको पानी में पकड़ के, कुछ तो एक मछली तो दे दे भाई। हियरिंग, एक छोटी मछली मिली मेरे को। फिर से जूता। हियर वी आर। ओके मैम, ओ अल्बर्ट शिपयार्ड डिस्कवर्ड।
नाउ हेड टू अल्बर्ट शिपयार्ड एंड अपग्रेड। ओके, शिप जहाज अपग्रेड करना है, यही कचरा क्लीन करने का तरीका यही है। व्हाट इज ऑल मेड अप ऑफ, ठीक है अंदर जाता हूँ छोटी जहाज से निकल कर। आई थिंक तो रिसेंटली मैं एक याच पे गया था, तो उसने वहाँ पे मैंने पूछा कि आप दो जहाज, कि जब भी आप बड़ी जहाज में जाते हो ना तो छोटे जहाज से होते हुए बड़ी जहाज पे जाना पड़ता है डायरेक्टली, बड़े जहाज पे एक्चुअली वो लोग नहीं उतारते हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने बोला कि पानी वहाँ पे बहुत कम रहता है तो छोटी जहाज ही जा पाती है, तो इसलिए हम लोग छोटी जहाज से उतर कर ये मतलब बड़ी जहाज से उतर कर छोटी जहाज से यहाँ पे आए हैं। वे क्या बोलता है देखने दो, ओवर हियर वेलकम टू शिपयार्ड यंग ट्रैवलर, वेर माई प्राइसेस आर कस्टमर्स बेस्ट फ्रेंड। ओके ठीक है, आप अल्बर्ट हो, अल्बर्ट आप शार्क हो ये नहीं पता था हमें, हमको खाना मत, दांत साफ कर रहे हो। आई मीन बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग फॉर एजेस, ठीक है अज्यूम यू आर द न्यू फ्रेट सर। हाँ मैं ही हूँ, नया जॉब मिला है मेरे को, जहाज में जो ठीक करने का है, जहाज का कचरा हटाने का, बहुत कचरा है वो जहाज में। ग्वेन दीदी ने हेल्प किया मेरे को यहाँ पे भेजकर, ठीक है वो कचरा हटा दो प्लीज। अना पे अबाउट इज ग्लूमी डैंक केयर, एक्चुअली ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। ओ शैरन, उसने जॉब छोड़ दिया है मेरे को, दे दिया उसने, बट कस्टमर इज राइट, यस कस्टमर ऑलवेज राइट, सो आई बिल्ड हिम अ न्यूअर बेटर वन, ऑफ कोर्स ही वुड नेवर अबैंडन हिज प्रीवियस शिप। तो ये जहाज उसी का ही है, तभी भी छोटे जहाज में बड़ा पड़ा था। ओके बट डोंट वरी यू कैन कीप दिस वन, दिस कॉल इज लोन। ओ तुम शार्क टैंक का शार्क लोन दे रहे हो मेरे को, हाँ लेट मी टेल यू समथिंग, डू यू नो वी ऑलवेज जोक अबाउट कंस्ट्रक्शन हियर, डोंट वरी विल वर्किंग ऑन इट, रा रा रा। ओके एनी वेज विद अ बिट ऑफ लव दिस इज दिस बर्ड विल रेस्प्लेंडेंट अगेन। ओके द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ प्रॉपर ब्लू प्रिंट टेबल, सिंस इट्स योर लकी डे, मेरे को दे रहा है फ्री ऑफ चार्ज, इट जस्ट बिट बेयर बोन्स इन द टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी, अपग्रेड कम्स फॉल राइट एंड बाय यू इमिडिएटली। ठीक है मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, अभी मेरे को अपग्रेड करने दे, अपग्रेड करता हूँ, चलो पैसे नहीं है, लेको कॉस्ट लगा है यहाँ पे 1200, बस पैसे नहीं है उसके लिए। मेलबॉक्स, मेलबॉक्स के लिए कुछ सामान लग रहा है यहाँ पे, कॉस्ट थोड़े पैसे, ये गोल्ड आई थिंक, और ये सब सामान लग रहे हैं उसको बनाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ यही है। ओके मैंने खरीद लिया, वो जीरो कॉस्ट का है वो, इसलिए तो मेरे को क्या क्या मिला है, गेस्ट हाउस मिला है, गार्डन मिला है, फील्ड मिला है, किचन मिला है, ठीक है। क्वेस्ट में क्या है देख लेते हैं एक बार, हियर यू गो, यू विल बी एबल टू बिल्ड एंड एडिट योर बिल्डिंग्स ऑन अबाउट, ठीक है वाटर ट्रेड, कुछ भी अपग्रेड करना है तो तेरे पास आना है, ठीक है मैं आता हूँ। अभी मुझे सामान क्लियर करना था शायद से, हेड बैक टू द बोट, ठीक है तो ये अपग्रेड यहाँ पे आ गए हैं। जेम्स सब पैसे मांग रहा है भाई, ये तो क्लीन हो गया क्या वो सामान, जाके चेक करना पड़ेगा। फाइनली फाइनली मतलब सामान क्लियर हो गया, गिव इट टू यू फॉर फ्री, ही सेड लोन द शिप टू यू राइट ओमनीसियस, मेरे को लोन दिया है शिप, वो तो है ठीक है। क्लीनिंग अप द डेक, यू कैन टेक ए न्यू ब्लू प्रिंट टेबल अबाव योर केबिन एंड सेलेक्ट द मूव ऑप्शन, ठीक है इट मूव बिल्डिंग में, ओके ठीक है। मेरा केबिन तो यही है, ये तो मेरा केबिन है, ओके ये वाला है, ओके ठीक
सैवेज बोल रहा है मेरे को. सैवेज, आर यू श्योर नॉट द सैवेज इज बिल्डिंग एंड यू विल गेट बैक रिसोर्सेस. ठीक है, कर दो, क्लीन कर दो पूरा. तो इतना सारा सामान मुझे मिल गया, मेपल लॉक हो सब ये बेच कर. ठीक है, और बांधने के लिए भी क्या है मेरे पास? कुछ नहीं. ठीक है, सामान तो क्लियर कर दिया. अभी क्या करने का? यू डिड अ वंडरफुल जॉब स्टेला. ठीक है, और गुड न्यूज, यू हैव इनफ रिसोर्स टू एड अ गेस्ट हाउस टू योर शिप. नेसेसरी एमिनिटी, रिलैक्स ऑफ स्लीप नॉन. तेरे को रहने के लिए घर चाहिए. ओके, बिल्ड अ गेस्ट हाउस विथ ब्लू प्रिंट टेबल. ठीक है, गेस्ट हाउस किसे बनाते हैं अभी? बिल्ड गेस्ट हाउस, ये क्या है? पर तो फील्ड है. गेस्ट हाउस किचन है. ठीक है, एक मिनट, ये देखो गेस्ट हाउस है. 20 मेपल लॉक लग रहे हैं मेरे पास, 10 लग रहे हैं मेरे पास, 20 पड़े हैं. तो मैं गेस्ट हाउस बात करता हूँ, थोड़ा ऊपर बांध के रखता हूँ, इतना ऊपर नहीं जा रहा ना, पहले नीचे बांध के रखता. चलो, अरे मिल गया गेस्ट हाउस. एक हग मिल सकते खाने के लिए? क्या दूं इनको, मेरे पास ही कुछ नहीं है खाने के लिए. नो फाइन, थैंक यू, हग नहीं चाहिए. जाओ फिर, जाओ दीदी, हग नहीं चाहिए तो. वेरी नाइस, थैंक यू, दिस गेस्ट हाउस इज वेरी प्रिटी. ओके, इट हैज योर टच. ओके, थैंक यू, नाइस वर्क. ऐसा कुछ नहीं, एक बटन ही दबाया मैंने गेस्ट हाउस के लिए, तो इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है. एट लास्ट आई हैव अ प्लेस टू सिट डाउन एंड एन्जॉय. ठीक है भाई, मैडम एन्जॉय कीजिए. सुट्टा अच्छा नहीं है. ठीक है, जो भी देखने वाले फिर से बोल रहा हूँ, 18 प्लस है ये. वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन? समथिंग एल्स इज हैपनिंग. आई शुड हैव एक्सेप्टेड. ओके, भूख लग रही है मैडम को. वेरी हंग्री, आई एम टेरेबल. खाना बनाना नहीं आता, समझ सकता हूँ. व्हाट आई रिमेम्बर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. यू माइट हैव फिश्ड अ फ्यू फिशेस ऑलरेडी. ट्रबल इज आई कांट ईट रॉ फिश. ठीक है, आप रॉ फिश नहीं कर. आपको अगर याद है, मैंने एक हेरिंग पकड़ा था पहले, एक मछली, तो आई कुड प्रॉबली चोक ऑन द फिश बोन. ठीक है, हाँ, मतलब गले में या अटक सकता है ये खाते वक्त हड्डी. ठीक है, और मर सकती है. वैसा नहीं, मैं चाहता आपको होने के लिए किचन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए यू रिक्वायर ब्राइट जेली. ब्राइट जेली था क्या वो? गोल्ड, ब्राइट जेली. द ब्राइट जेली यू विल नीड फॉर किचन. वेल, ओनली दिस जेली फिशेस कैन प्रोवाइड. देयर इज नॉट. ओके, वो जेलीफिश आने से इनको, दीदी को डर लगता. ओके, मिस इट, गो टेक प्रिपेयर. ठीक है, तो बोल रहे हैं मैप में एक जगह है जहाँ पे जेलीफिश आता है और उनसे उनको डर लगता है, बट वो उनका सामना करने के लिए तैयार है. तो यहाँ पे हमको कुछ जेलीफिश दिख रहा है क्या, काला कलर का? ओ देखो, वहाँ पे जेलीफिश है. तो हम लोग जेलीफिश के पास जाएंगे. थोड़ा बड़ा कर देते हैं बोट को, क्योंकि मेरे को फुल साइज करने का थोड़ा इच्छा हो रहा है. थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने का मजा ही कुछ अलग है. मतलब मैं खुद तो नहीं चढ़ रहा, वो अलग बात है, कोई और चल रहा है. अरे मैडम, अंदर भी
क्या है? घंटी जगाने के लिए रहेगा? घंटी उड़ जाओ, अभी जगाने की जरूरत नहीं किसी को। अरे ओ वहाँ ऊपर फिसलता है, ठीक है। बिल्ली भी चढ़ रही है। ओके ओके डैम हियर दे कम, रिमेम्बर सेट योर आईज ऑन दोस ब्राइट जेली, ठीक है, दे शुड बी विजिबल इनफ। दैट सेड पॉप गिव एज मेनी एज यू पॉप एज मेनी एज यू कैन, यू विल गेट ग्लिम्स एनी वे। ओके एंड वेट फॉर इट, इज जस्ट सो हार्ड फॉर मी टू स्टे, आई बिलीव इन यू, ठीक है। तो इनके जेलीफिश से इनको डर लगता है और मेरे को जेलीफिश पकड़ फोड़ना है, ऐसा ऐसा बोल रही है। देखो फोड़ रहा मैं, 1 2 3 4। अरे मैं ऐसे खड़े रहता हूँ। ओके 60, 85 ग्लिम्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो स्क्रीन के। बड़ा वाला नहीं छोड़ूंगा मैं। म्यूजिक भी बदल गया भाई, पूरा डरावना हो गया। दस ग्लिम्स मिलते, ग्लिम्स को गोल्ड बोलते हैं लोग। अरे बाप रे इतना सारे आ गए। मिल गया, 125 ग्लिम्स मिले मेरे को, ग्लिम्स। फैंटास्टिक, ओके तो आप इंप्रेस हो गए हो, यू रॉक्ड आउट देयर। किचन बना सकता हूँ, यू हैव गैदर इनफ। ओके ठीक है ठीक है, मेरे को कुछ तो दिखा था वहाँ पे। तब तक जहाज दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ मैं, ये क्या है देखने के लिए। जब तक ये जा रहा है मैं किचन बनाता हूँ। किचन गेस्ट हाउस है मेरे पास, किचन के लिए ब्राइट जेली हमारे पास 8 है, 3 लगता है वो। अभी हमको जेलीफिश में एक हरा कलर का मिला, और मेपल लॉक 5 लगते हैं, 10 है अपने पास, तो ठीक है वो बना लेता हूँ। वो थोड़ा ऊपर रखता हूँ तक जाता है, इसको से पोजीशन दे रहा। इनके लिए खाना बनाने का है, किचन में जल के देखते हैं खाना कैसे बनाते हैं। कुक 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 करते हैं कुक। कुछ आया भाई? कुछ तो वहाँ पे है। When Stella or Daffodil leave the boat, it stops and restarts automatically. Okay, जब मैं बोट से उतरता हूँ बोट ऑटोमेटिकली रुक जाता है। मेक सेंस, क्योंकि हमारा बैटरी, बोट का बैटरी हमारा पावर है, तो हम बोट से निकल जाएगा तो बोट रुक जाता है। ओके बी ए टू डाइव, नीचे जाने का। ओके कुछ तो और मिला, क्वार्ट्स मिला, क्वार्ट्स। कॉपर और मिला है, ठीक है। अरे वाह,
कॉफी बीन, मेपल, कैरेट, ये सब सीड वीड, बॉटल बिटल मिला, और कुछ है क्या यहाँ पे? पानी इतनी ठंड है मैडम, उतरिए नीचे। उतर क्या बोल रही है ये? हाँ यस, कैन सी बोट स्टॉप्स एट नाइट, और रात को बोट रुक जाती है, साइड इफेक्ट ऑफ एवरलाइट लाइट। ओके, तो एवरलाइट दिन में ही काम करता है, रात को नहीं, रात को जहाज रुक जाती है, और टेक्निकली ओके अलाउ पीपल टू स्लीप अनडिस्टर्ब। ओके, जहाज चलाते टाइम तो सही से सो पाएंगे। ओके आई मीन रात को जब जहाज रुकेगा तब सब कोई सही से सो पाएंगे। ओके, यू मीन इन टाइम यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट एंड टैकल बिजनेस चिल। ओके, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी खुद सो सकता हूँ। ओके, सुबह उठ सकता हूँ। ओके, वेकिंग अप ऑन टाइम पे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। यू कैन रिंग दैट बेल ओवर देयर एंड लोगों को उठा सकते हो घंटा। ओके, रिमेम्बर ओनली डू इट एट द राइट टाइम। ठीक है, मैं सही समय पे ही करूँगा। देन अर्ली मॉर्निंग शुड डू द ट्रिक। ओके, अर्ली मॉर्निंग को हम ट्रिक करेंगे, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ विच, टाइम फॉर मी टू टेक अ नैप। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, आपके लिए खाना मैडम, पर ग्रिल फिश आया आपके लिए मैडम। मैडम मैडम, खाना खाना। ऑलवेज बीन वंडर इन द किचन। ठीक है, उनको खाना देता हूँ। कंफर्ट फूड, आई वुड डाई फॉर अ कप ऑफ कॉफी, नॉट पिक आई कैन ईट एनी थिंग। ओके, हाँ, एक चीज दो बार नहीं खा सकते हो। ओके, ठीक है, मुझे पता है मेरे को बहुत सारी चीजें बांधने हैं। रिसोर्सेस यू कैन ग्रो लेनिन इन इट, इंटर्न इट विल। ओके ठीक है, लेनिन फील्ड सीड्स, तो बेसिकली फील्ड बनाने का है और दो तीन चीज़ें बनाने का है। इट्स कॉल्ड मोइस्ट एंड कोव एंड देर समथिंग विल नीड। ठीक है, मोइस्ट एंड कोव, और ओबल दिया है उन्होंने, ओबल उनका काइंड ऑफ फीस रहता है। अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि सो जाओ। यस, सो जाओ भाई। मेरे साथ बिल्ली भी सो रही है। लुल, सुबह हो गई है। यहीं पे जाने बोली थी उसने, केव वहां पे चलते हैं। क्या घंटा बजाना था ना, सॉरी है, सॉरी, भूल गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। गुड मॉर्निंग, थोड़ा मछली पकड़ लेता, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे मछली चाहिए, जूते नहीं। कौन जूते इतना फेंक रहा है समुंदर में? एक मछली मिली है, हे भगवान, एक मछली दे दे भाई, नहीं जूते दे रहा है।
जूते तो अभी मछली मिल गई। इतने बारी जूते इतनी बार मिल रहे कि मैं जूते जूते बोल रहा हूँ मछली को भी। निकले यहाँ से कि दूसरी जगह पे पहुंच गया हम। मोस्टियन केव कोव सॉरी मोस्टियन कोव डिस्कवर्ड। ओके तो बुला रही है मेरे को दीदी। क्या हो गया दीदी? बोलो दीदी। यू शुड हॉप ओवर टू द आइलैंड ओवर दैट। ठीक है, वो आइलैंड पे जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कुछ मिल सकता है बोल रही है। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग मिलेगा पता चलेगा जाने के बाद ही। इसमें क्या है? दो बॉटल मिले मीडियम की। आप यहीं पे जल्दी से पहुंच गए। ओके, व्हाट अ मैजेस्टिक ट्री। यू नीड टू कट इट डाउन। इट्स फाइन आई प्रॉमिस। द बेस्ट वे टू गेट वुड यू नीड एक्चुअली। डोंट वरी देयर यू गो। ओके ओके, फटाफट बढ़ जाते हैं। इसको काटना है। एक नंबर। बिल्ली भी मदद कर रही है। तो आगे पीछे आगे पीछे कर रहा हूँ। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। छुट गया। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम मॉथ फॉर द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ओ, फील्ड बनाने के लिए मेपल लॉग्स लगते हैं, राइट। थोड़े बेरीज। ओके, और इधर एक और झाड़ है यहाँ पे। चलो ये क्या है? इसको तोड़ना है। एक नंबर। इसमें कुछ है क्या अंदर जाने के लिए? बिल्ली भी मेरे साथ आके। ओके, बिल्ली नहीं आती है। बिल्ली फ्लोट कर रही है उसके बॉल के ऊपर। अरे वाह, यहाँ का काम हो गया। झाड़ वाड़ काट लिए, सब सब चीजें खाली कर दिए। पहले हम लोग जहाज जाते हैं। वो आएगी मेरे को बिना पूछे तो आई थी, तो बिना पूछे जहाज पे भी आ सकती हो। देखते अभी हमको बांधने के लिए है क्या। फील्ड फील्ड के लिए लाइटनिंग इन अ बॉटल लगती है। या तो गार्डन के लिए, सॉरी फील्ड के लिए अपने पास सब सामान है तो फील्ड बांध देंगे। ओके, जाने के लिए कोई जगह है क्या? पहली बार इधर। ओके, काम करते हैं। कुछ पता नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे जाते तब तक। और उस सीड कॉफी इनको दीदी को कॉफी चाहिए था। ग्रेन्स इसको पानी भी डालो। ओके, मिट्टी एकदम डार्क हो जा रही है अगर ध्यान दोगे तो, पानी डालने के बाद। इट्स बेटर लुकिंग देन आई थॉट। जीनियस चॉइस कोई सिंपल बट एलिगेंट। ठीक है, थियोडर क्या शॉप इन हमिंगबर्ग द बिजिएस्ट टाउन ऑफ द एरिया। ओके ठीक है, ट्रैकोनेंसी। ओके, थियोडोर एंड हिज ब्रदर्स आर फाउंडर्स ऑफ ट्रैकोनेंसी, अ शेडी रिटेल फ्रेंचाइज। ओके,
This world has serious problem of ओके वो आके बात करेगी दीदी बिजनेस के बारे में, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बंदे के साथ चूहा है वो, रैकून एक्चुअली जो शॉनेस्ट है। ठीक है जाते हैं भाई, दीदी जाते हैं हेमिंगबर्ग में। ओके एक कुछ तो कचरा बिचरा है यहाँ पे पड़ा है, वो देख लेंगे। टू ने क्या क्या मिला है मेरे को। ठीक है वर्ड्स है यहाँ पे और कुछ और है क्या यहाँ पे पड़ा हुआ सामान। कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। तो पहले मैं ये क्रेट्स और फार्म कर लेता हूँ, ये जेली फार्म कर लेता हूँ। उसके बाद मैं टाउन को जाऊँगा। अगले बार अगले एपिसोड में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट टू मैं निकालूंगा। और ये नेटफ्लिक्स में आपको ये गेम 149 में फ्री मिल जाएगा मोबाइल पे। मैं पीसी पे खेल रहा हूँ बट यू कैन बाय इट ऑन यू कैन प्ले इट ऑन मोबाइल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।